लेसन इसमें जो पहले टॉपिक्स थे ह्यूमन आई डिफेक्ट्स ऑफ विजन वो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम टॉपिक्स रह गए हैं, वी आर गोइंग टू कवर। सो फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हमने फर्स्ट चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो ग्लास स्लैब में से किया था, अब प्रिज्म की रिफ्रैक्शन इसमें है, ठीक है। सो राइट द आर्टिकल, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। बनाइए प्रिज्म ए बी सी। एनीवन नोज ये एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। यस दिस इज 60 डिग्री। तो नोट कर लिए, कर लो, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है 60 डिग्री। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑल राइट, सो आई एम टेकिंग एन इंसिडेंट रे नाउ which is the material of which the prism is made up of? Glass. So ray is going from which medium to which medium? Rarer to denser or denser to rarer? Rarer to denser. Who will tell me if I draw normal at the point of incident ray, is this is our incident ray. If I draw normal at this point, this is angle of incidence, where will the ray go now? Away from the normal or towards the normal? ठीक है, तो ये normal, जब ये यहां जाएगी तो ये उसके दूर नहीं जाएगी, उसकी towards जाएगी. Which is this ray called? What is this ray? Name of this ray, Asita? Reflected नहीं है ये, ये रिफ्रैक्टेड रे है। दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से मिस्टेक्स हो जाएंगे, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। इफ यू राइट रिफ्लेक्शन, दिस इज नॉट रिफ्लेक्शन व्हेन द मीडियम इज चेंजिंग, दिस इज रिफ्रैक्शन एफ आर ए सी, राइट। अब देखो ये आपका एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल दैट द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स विद नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक बार बेंडिंग हो गई, अब इसने फिर से मीडियम चेंज करना है। नाउ द रे इज अगेन गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, दिस टाइम वी ड्रॉ नॉर्मल, नॉर्मल्स मीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अगेन वी ड्रॉ नॉर्मल एट दिस पॉइंट। Now where will the ray go? Away from the normal. So away from the normal, आप ऐसे बनो। पहले towards the normal थी, now it is away from the normal. This ray is called emergent ray. And angle that it makes with normal is called angle of emergence. तो हम ऐसे नहीं कहते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं, बट वी नेवर से एंगल ऑफ इमरजेंट, हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन। नाउ वन मोर थिंग, we will mark the angle of deviation as well. ये एक नया एंगल आपके लिए। अब कैसे बनाएंगे? Let me use a different color.
प्रोड्यूस द इंसिडेंट रे बैकवर्ड, इंसिडेंट रे को डॉटेड स्केल से ले जाओ पीछे, इंसिडेंट रे को बैकवर्ड ले जाइए, फिर इमर्जेंट रे को ले जाओ। हाँ पहले क्या, पहले क्या, स्टैंड अप, पहले आप आगे आ दो, उठ के पहले आप आगे आ दो, गेट अप, इधर बस इधर आ दो, कम आप चलो उधर, नाउ प्रोड्यूस द इमर्जेंट रे बैकवर्ड्स, अब इमर्जेंट रे को बैकवर्ड्स ले जाइए, ठीक है, दोनों रेज को बैकवर्ड ले जाओ बिल्कुल स्ट्रेट स्केल के साथ। नाउ दिस एंगल दैट दिस दैट विल बी फॉर्मड इन बिटवीन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा, सिंबल है इसका डेल्टा, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, हाँ जी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाली एरो डाला हुआ है, नहीं तो ये एंगल क्लियर नहीं होना था आपको, इसलिए मैंने यहां पे डाला। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इमर्जेंट रे, एंगल जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को प्रोड्यूस करके बीच में बन रहा है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये कई क्वेश्चंस तो एंगल्स मार्क करने पे ही हैं, और ये एंगल्स जैसे कोई जान के गलत बनाता है ना वैसे कर देते हैं, यहाँ वॉल के साथ यहाँ आई बना देंगे, ये वाला एंगल यहाँ बना देंगे, ये वाला एंगल यहाँ बना देंगे, प्रिज्म की वॉल के साथ एंगल कभी भी नहीं बनेगा, रिमेंबर दिस, एंगल हमेशा नॉर्मल का बनता है उस रे के साथ। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं तो दैट विल बी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये हमेशा फॉलो कर रहे हैं, चाहे मिरर है चाहे लेंस है व्हाटएवर। और अगर हम इमर्जेंट रे ले रहे हैं तो विद नॉर्मल दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, लाइक दैट, क्लियर है ये अब डायग्राम? सो दिस इज कंप्लीट डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन, ये इंसिडेंट रे बैकवर्ड लेके गए और इमर्जेंट रे बैकवर्ड लेके गए, इनके वही इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ही है ये तो, और ये भी इमर्जेंट रे को ही हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, ये जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये कैसे होगा, अगर हम प्रिज्म के ऊपर लेजर लाइट डालेंगे, एक कलर की लाइट डालेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटिक मीन्स कलर, तो जो लेजर लाइट मिलती है मार्केट से, टॉय लेजर जो आपके रेड ग्रीन कलर की हैं, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट्स हैं, एक सिंगल कलर की लाइट है, हम एक रे इंसिडेंट करेंगे एक ही रे बाहर आएगी, तो इस ये हो गया रिफ्रैक्शन। बट इफ वी कीप द सेम प्रिज्म इन सनलाइट, सनलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट लाइट, तो इसमें कितने कलर होते हैं व्हाइट लाइट में, सेवन कलर, तो जब हम व्हाइट लाइट डालेंगे प्रिज्म के ऊपर तो कितनी सारी रेज निकलेंगी, अब एक नहीं सेवन रेज बाहर निकलेंगी, एंड दिस फिनोमिनन विल बी कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, बिकॉज प्रिज्म क्या करेगा, इट इज अ डिवाइस दैट स्प्लिट्स व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर्स, वो जो एक व्हाइट लाइट पड़ रही थी सनलाइट, चाहे वो मिक्सचर है तो व्हाइट लाइट ना, हमें पहले तो कलर नहीं दिख रहे थे, बट व्हेन इट विल पास थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म विल डिस्पर्स देम, प्रिज्म विल स्प्लिट देम इनटू सेवन कलर्स, स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रीजन, उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि हर एक एंगल जो है, हर एक कलर जो उसके अंदर है वो डिफरेंट एंगल के थ्रू डेविएट होगा, एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट होगा, so that's why all the colors they occupy distinct positions, they occupy different positions and come up as separate colors, right? So chaliye ab uska diagram banate hain,
dispersion through a prism. ये था refraction of light through a prism. Next है dispersion of light. बनाओ प्रिज्म फिर से. यस ड्रॉ द प्रिज्म नाउ. ठीक है अब व्हाइट लाइट डाल रहे हैं सनलाइट. ठीक है हर रे पे एरो बनाने. फर्दर एक बार और पेंट कर दो. ये सीधी नहीं ऐसे नहीं बनानी है आपने. ऐसे नहीं बनानी है, ऐसे नहीं बनानी. आपको पता है अभी हमने एक रे के लिए डायग्राम बनाया था. पहले बेंड होते फिर दोबारा बेंड होती. तो इसलिए आप इनको अलग से एक ही बार रे नहीं बनानी. ठीक है सेवन रेज बना दो. और इनका ऑर्डर क्या है विबग्यो स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम. सेवन और बॉटम से स्टार्ट करना है विबग्यो. वॉयलेट कलर स्टार्ट्स फ्रॉम बॉटम. ठीक है सो विच कलर इज लीस्ट डेविएटेड. रेड कलर सबसे ऊपर है ना. सो विच कलर इज लीस्ट डेविएटेड रेड कलर. एंड विच कलर इज मोस्ट डेविएटेड वायलेट कलर. तो वी यूज द वर्ड डेविएटेड क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन से लिंक्ड है. हमने देखा इनके एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट है आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म. दैट्स व्हाई दे स्प्लिट इनटू सेवन कलर्स. तो लिखिए कॉज ऑफ डिस्पर्शन. ऐसा होता क्यों है. कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट. डेफिनेशन लिखी आपने. लिखो पहले व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट. स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इंटू सेवन कलर्स. स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट into seven colors after passing through a glass prism. After passing through a glass prism is called dispersion of light. After passing through a glass prism. हाँ वही अब कॉज में वही डिस्कस करेंगे. कॉज से आपको वहीं से पता चलेगा कॉज. ठीक है तो देखो हर कलर जो है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है. वेवलेंथ लैम्डा. ठीक है ईच कलर हैज गॉट डिफरेंट वेवलेंथ.
There is a formula called Cauchy's formula. Mu is inversely proportional to square of wavelength. पूरा फॉर्मूला चलो रहने दो, आप रिलेशन देख लो. अकॉर्डिंग टू कॉची'स फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला इज दिस, ए वी आर कॉन्स्टेंट. अगर फॉर्मूला नोट करना है तो यू कैन. नाउ कमिंग टू दिस, हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, डिफरेंट वेवलेंथ एंड हेंस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो. डिफरेंट वेवलेंथ एंड दैट्स व्हाई डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो. अब एंगल ऑफ डेविएशन जो है डेल्टा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका भी एक फॉर्मूला होता है, चाहे वो लर्न मत करो आप. एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आप बस इतना ही कर लो, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है वैसे तो. नहीं, ये फॉर्मूला नहीं आएगा. ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कॉज पता होना चाहिए. बेटा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. सिंबल पता है ना आपको, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. व्हाट इज दिस? डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन. और ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपको बताइए. ए बी आर कॉन्स्टेंट्स. So since angle of deviation is directly proportional to refractive index, ये lambda wavelength, lambda square. तो क्योंकि हर color का refractive index different है, hence its angle of deviation is also different. तो ये हमने prove कर दिया कि अलग अलग colors का angle of deviation different होता है, so that's why they come out with different angles of deviation. They occupy different positions, they get deviated through different angles. This is the reason. Delta is equal to mu minus 1 into a. ये formula है, derivation तो of course syllabus में नहीं है. मतलब आपको exact formula बताया मैंने कि कैसे depend करता है angle of deviation refractive. ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है. हाँ जी, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट. तो आप अकेला चाहे इतना ही अपने माइंड में रखो. अब अगर हम आते हैं कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसका कम है, लेट अस कंपेयर द एक्सट्रीम कलर. बाकी बीच में आ जाएंगे. तो रेड और वायलेट में से आपको पता है किसकी वेवलेंथ ग्रेटर है? रेड की. कितनी है? What is the wavelength of red color? 700 nanometer. Range of wavelength क्या है visible light की? 400 nanometer से लेके 700 nanometer तक जाती है ये range. 400 nanometer से less ultraviolet है और 700 nanometer से greater हमारी infrared radiation start हो जाती है. ठीक है, we are concerned with this visible range right now. So red color has longest wavelength and that's why it has minimum refractive index and hence minimum angle of deviation. So isliye red color gets deviated through minimum angle. Ye upar hi rehta, ye zyada deviate nahi hota. Or on the other hand, violet is having shortest wavelength, hence greatest refractive index, hence greatest angle of deviation, so it gets deviated the most. So bottom pe hame violet color dikhe. Agar ye order aap disturb kar doge to sara wrong ho jayega. Now what can be the questions that we can relate MCQs yahan se kaise ban sakte hain? Like at which number, yahan pe 1 2 3 4 5 6 7 likh denge wo, theek hai, aur batayenge ki kaun se number pe पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा, कौन से नंबर पे है पोटेशियम पर मैग्नेट का? 7 नंबर पे. जैसे कौन से नंबर पे लाइट एमिटेड बाय सोडियम लैंप का कलर है? आपको पता है सोडियम लैंप जो है कौन से कलर की लाइट एमिट करता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, येलो. सोडियम जो होता है
लैंप उसकी दो येलो लाइंस निकलती हैं, तो वो येलो कलर जो है वो कहाँ पे कौन से नंबर पे है अकॉर्डिंगली देख लीजिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे, विच कलर इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्रिंजल लाइक दैट, विच कलर इज दैट ऑफ स्काई, विच कलर ऑफ डेंजर सिग्नल रेड कलर, जैसे कि ऐसा, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे। वो आपका बी होगी, नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो वो नंबर बता दोगे आप, ये वाले नंबर पे कौन सा कलर है। 700 नैनोमीटर रेड कलर, येलो कलर बीच में आता है बिल्कुल सेंटर में, 550 नैनोमीटर येलो कलर, एंड ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू येलो कलर। नो, तभी तो 550 है इसकी येलो, बट ह्यूमन आई इज मोर सेंसिटिव टू येलो कलर, नॉट ग्रीन, ठीक है। कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज क्लियर टू यू। नाउ विच इज द मोस्ट रिलेटेड फिनोमिना दैट वी सी इन द लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ, कौन सा फिनोमिना है डिस्पर्जन पे बेस्ड? रेनबो, यस। आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, सेवेंथ में एट्थ में ये सब पढ़ते आ रहे हो तब से आप, तो हाउ इज रेनबो फॉर्म, किसको पता है ये, हु विल टेल मी? ऐसे बताओगे? स्टैंड अप, वाटर ड्रॉपलेट्स में से सनलाइट निकलती क्या? वॉटर ड्रॉपलेट कहाँ से? हाँ ये बताओ, फिर यहाँ से स्टार्ट करो, चलो कोई बात नहीं, वी अरेंजमेंट पीरियड है, वी हैव सो मच टाइम, बोलो, चलो इसको बताने दो, आप बैठ दो, चलो हाँ वेरी गुड, बताओ आप, पता है ना आपको, बताओ, चलो पता है, तुम उसको बता रहे थे कौन अच्छी तरह से, हाँ ताने So, there are two requirements for formation of rainbow. One is rainfall होके हटी होनी चाहिए और sunlight होनी चाहिए। हाँ जी, बैठ दो, गुड। चलिए, तो हाउ इज रेनबो फॉर्म, इसमें आपका मेन यही है कि आफ्टर अ रेन शॉवर टाइनी रेन ड्रॉप्स रिमेन सस्पेंडेड इन द स्काई, ठीक है, दे एक्ट लाइक प्रिज्म, एंड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन दोज टाइनी प्रिज्म्स डिस्पर्शन टेक्स प्लेस एंड वी सी अ बैंड ऑफ सेवन कलर, सेवन कलर्स आर प्रोड्यूस्ड। बट रेनबो फॉर्मेशन इज नॉट अलोन ड्यू टू डिस्पर्शन, इट इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन, तीन फिनोमिना का कंबाइंड इफेक्ट है, इट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ थ्री फिनोमिना, राइट, इज दैट क्लियर? सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देर आर थ्री फिनोमिना टूगेदर गिविंग राइज टू रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके सिलेबस में रही नहीं है, ठीक है, बट उसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल डायमंड है, जैसे वाई डज डायमंड शाइन सो ब्रिलियंटली, क्योंकि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, दे आर सो सो एफिशिएंट दैट वन पेयर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स कैन हैंडल अबाउट 2000 टेलीफोन कॉल्स साइमल्टेनियसली, एक पेयर इतनी कॉल्स को हैंडल कर सकता है साइमल्टेनियसली, और इतने एफिशिएंट क्यों है? बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब होती क्या है, जब एक रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, वी से इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्म, ऐसे ही होता है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग,
अब इंक्रीज होते होते एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाता है, क्रिटिकल एंगल, जिस पे रे बेंड अवे होती होती उस बाउंड्री के अलोंग जाना शुरू कर देती। ये देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे वाटर से एयर में जा रही है रे, ठीक है, सपोज द रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर, तो ये पहली कंडीशन है कि डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, तो ये अवे जा रही है। अब हम ये एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये इधर होती जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा। अब ऐसे करते करते हमने ऐसा एंगल ले लिया कि ये रे अवे होती होती अब इधर ही चली गई, दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और जब हमने एंगल उससे भी इंक्रीज कर दिया तो रे बेंड होती होती उसी मीडियम में वापस आ जाएगी एज इफ इट वॉज रिफ्लेक्टेड। अगर उसी मीडियम में वापस आए उसको तो हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, तो दैट्स व्हाई दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई दिस फिनोमिना इज कॉल्ड TIR, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्शन, ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन वो तो मिरर से होती है, ये तो रिफ्रैक्शन का, हम रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करके चले, ये रिफ्रैक्शन का एक केस है, ठीक है, यहाँ पे मीडियम चेंज की बात होती है, बट लग ऐसे ही रहा है कि इसी मीडियम में वापस आ रही है तो रिफ्लेक्ट होती हुई ही लग रही है, इसलिए इसको डिफरेंट नेम दिया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, ठीक है। चलिए अब हम रेनबो का एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं साथ में, रेनबो बना लिया आपने, लिख लिया मतलब, तो ये तो मैं समझा रही थी TIR क्या होता है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ये तो फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है TIR, पर वो सिलेबस में नहीं रहा है। देखो डायग्राम तो आने नहीं है आपको, थोड़ा सा आइडिया देख लो, एक्चुअली देर आर टू रेनबोस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो, ये सेकेंडरी रेनबो है, ऊपर जो दिखता है हमें जो ब्राइट होता है ज्यादा, ये जो दूसरा होता है प्राइमरी रेनबो होता है ये लाइटर होता है, काफी फेंट होता है, तो यूजुअली हमें ये दिखता ही नहीं है, हमें ऊपर वाला पार्ट ही दिखता है जिसको हम सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं, ठीक है। तो हमने वॉयलेट और रेड एक्सट्रीम ड्रॉप्स इसके लिए दिखा दिए, रेड और वॉयलेट एक्सट्रीम ड्रॉप्स इसके लिए भी दिखा दिए, बाकी कलर बीच में हमें सेकेंडरी दिखता है, ये ब्राइटर होता है, जो प्राइमरी रेनबो फेंटर होता है, तो ये हमें दिखता नहीं है प्रॉपरली, हमें मेनली यही वाला दिख रहा होता है, ठीक है। तो चलिए ये बनाओ, देखो ये रब नहीं ना करोगे तब तक, राइट। अब देखो यहाँ पे एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, ये दूसरी हुई, यहाँ पे हम खड़े हैं, ऑब्जर्वर खड़ा हुआ, तो ये उसकी आईज तक लाइट जा रही, ये एक ड्रॉप, तो इसमें अब आप देखो जब रे वाटर ड्रॉप के अंदर जा रही, एयर से वाटर में रिफ्रैक्शन भी हो रही है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट भी हो रही है और डिस्पर्शन भी कर रही है, तो तीन फिनोमिना है टुगेदर गिविंग राइज टू रेनबो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन भी और डिस्पर्शन तो है ही, बाकी कलर बीच में वायलेट और रेड, मैंने एक्सट्रीम दिखा दिए हैं ऐसे, इसमें बाकी बीच में होंगे, हाँ सभी में ऐसा होगा, हमने कोई मिनिमम ड्रॉप्स का नंबर ले लिया उसको दिखाने के लिए। तो सेकेंडरी रेनबो में देयर आर टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, फोर रिफ्रैक्शंस, ठीक है। एक्चुअली तो जो सेकेंडरी रेनबो है उसमें कितनी रिफ्रैक्शंस हो रही होती हैं, फोर, और टू TIR भी हो रही होती है, दो तो दिख ही नहीं आपको, ठीक है, एक बार ये अंदर जा रही है बेंड होगी, एक बार बाहर आ रही है बेंड होगी, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी रिफ्लेक्शन है, तो चार वो,
ऐसे होते। अब आते हैं प्राइमरी रेनबो में, इसमें एक ही टी आई आर होती है, प्राइमरी रेनबो में एक ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और दो टी आई आर, दो रिफ्रैक्शन, उसका आपको जरूरत भी नहीं है, बस ये देखो इसको क्या, ठीक है। आप देख रहे हो कि सेकेंडरी रेनबो में ज्यादा टी आई आर होती हैं, दो बार बेंड हो रही, और प्राइमरी में कम होती है, बस ये। अब आप कहोगे कि हमें ये बैंड क्यों दिखता है, कर्व क्यों दिखता है, आर्क क्यों दिखती है रेनबो में, बताओ। हाँ जी, हमें यही वाला दिखता है, हमें आर्क क्यों दिखती है, बैंड ऑफ सेवन कलर जो है वो कर्व्ड क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन, बताओ। बिकॉज दे सबटेंड डिफरेंट एंगल्स एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर, एंगल्स पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है, दे सबटेंड डिफरेंट एंगल्स एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर, इसलिए वो हमें स्ट्रेट लाइंस नहीं होके एक आर्क दिखती। TIR रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, अभी तक लोअर क्लासेस तक आपने यही पढ़ा था, डिस्पर्जन के करके रेनबो बनता है, बट नाउ यू नो दैट रिफ्रैक्शन, TIR एंड रेनबो, तीन डिस्पर्जन, तीन फिनोमिना है जिसके करके रेनबो बनता है। आप इधर आओ, इधर आगे आओ, बच्चे फिफ्थ पीरियड भी है,